ये कहानी चूड़ामणि गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार की है, जिसमें दीन दयाल अपनी पत्नी शारदा और अपने बेटे अभिमन्यु और राघव के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे, उन्हें दो वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। पंडित का बड़ा बेटा अभिमन्यु अपनी गरीबी की वजह से बहुत नाराज रहता था और वो अपने गरीब होने का जिम्मेदार अपने माँ बाप को मानता था, इसलिए वो उन्हें हमेशा ताना देता था। एक दिन दीनदयाल भिक्षा मांगने बहुत लोगों के घर गया, लेकिन उसे कहीं भी भिक्षा नहीं मिली और वो खाली हाथ घर आ गया। अपने पिता को खाली हाथ देखकर अभिमन्यु भड़क गया और बोला, आ गए फिर हाथ झुलाते, आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस घर में जन्म लेने के बाद। न जाने कौन सी घड़ी में भगवान ने मुझे इस घर में पैदा कर दिया था। इस घर में जब से जन्म लिया है तब से कभी ढंग का खाना नसीब नहीं हुआ है। तेरे बच्चे नहीं जो इस तरह से तू उनसे बात कर रहा है। इन्होंने आज तक एक पिता होने का कौन सा फर्ज निभाया है जो मैं इनसे तमीज से बात करूं। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर दीनदयाल बहुत दुखी हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू छिपाते हुए अपने छोटे बेटे राघव को लेकर लेट जाता है। हर रोज अभिमन्यु अपने पिता को भला बुरा कहता, लेकिन उसके पिता उसे कभी कुछ नहीं कहते। कुछ सालों बाद अभिमन्यु और राघव अब बड़े हो चुके होते हैं और वे अपने पिता की तरह ही भिक्षा मांग कर अपना गुजर बसर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनसे उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। एक दिन, राघव चल हम आज दूर कहीं भिक्षा मांगने चलते हैं, यहाँ तो हमें कोई कुछ देता नहीं है। नहीं भैया, ज्यादा दूर नहीं जाते वरना तक्षक आ जाएगा। चल जल्दी आ जाएंगे, और ये तक्षक वक्षक कुछ नहीं होता। नहीं भैया होता है तक्षक, माँ ने मुझे बताया है। राघव अपने भाई की बात मान लेता है और वो दोनों भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें बहुत सारे घर दिखते हैं, जिन्हें देखकर वे दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों भिक्षा मांगना शुरू कर देते हैं और हर घर से उन्हें कुछ न कुछ मिल जाता है। थोड़ी देर और चलने के बाद उन्हें एक घर मिलता है, तो वहाँ भी भिक्षा मांगने के लिए रुक जाते हैं। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तभी उनकी आवाज सुनकर एक बूढ़ी औरत घर से बाहर आती है और कहती है, अरे तुम तो एक ब्राह्मण हो, तो मैं तुम्हें ऐसे खाली हाथ नहीं भेज सकती। तुम अंदर आ जाओ, मेरे पति आते ही होंगे। अभिमन्यु और राघव दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और घर को देखने लगते हैं। तभी उन्हें कोने में रखी तस्वीर दिखती है। तस्वीर को देखते ही राघव बोलता है, ये कौन है? ये तक्षक है। तक्षक की वजह से ही देवी देवताओं का प्रकोप बारिश बनकर चूड़ामणि गांव पर बरस रहा है। राघव तक्षक का नाम सुनते ही डर जाता है। तभी अभिमन्यु बोलता है, देवी देवताओं का प्रकोप कैसे, और ये तक्षक कौन है? तक्षक मोगी देवी की पहली संतान थी। तक्षक बहुत लालची था, उसने देवी के सारे सोने को हड़प लिया था और जैसे ही तक्षक अनाज को हड़पने वाला था, सारे देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया और अपनी संतान को देवी ने बचाने के लिए शर्त रखी, और वो शर्त थी कि कोई भी तक्षक की पूजा नहीं करेगा और सब तक्षक को भूल जाएंगे। क्या उसके बाद सब तक्षक को भूल गए? नहीं, कुछ सालों बाद ही चूड़ामणि गांव के लोगों ने तक्षक का मंदिर बनाया और उसकी पूजा की, जिसकी वजह से सभी देवी देवता क्रोधित हो गए और तब से लेकर आज तक देवी देवताओं का गुस्सा चूड़ामणि गांव पर बारिश बनकर बरस रहा है। लेकिन लोगों के द्वारा मंदिर बनाए जाने पर तक्षक बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने अपना सारा सोना मंदिर को समर्पित कर दिया। क्या वो सोना अभी भी उस मंदिर में है? हाँ, ऐसा कहा तो जाता है कि उस सोने को पाने के लालच में कई लोग वहां गए लेकिन वापस नहीं आए।
राघव उस आदमी की बात सुनकर बहुत डर गया था और डरते हुए वह अपने भाई से कहता है, भैया चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत पागल, यहाँ थोड़े ही है तक्षक, अभी चल रहे हैं घर। दोनों भाई घर आने लगते हैं। अभिमन्यु पूरे रास्ते उस आदमी के द्वारा कई बातों को सोचता रहता है और खजाने की बात उसके दिमाग में गूंजने लगती है और उसके मन में भी, और लोगों की तरह उस खजाने को पाने की लालच में वह आ जाता है और उस मंदिर में जाने का फैसला करता है। अगले दिन वो बिना किसी को बताए उस मंदिर की ओर चला जाता है। तभी राघव अभिमन्यु को रोकता है। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तक्षक से मिलने जा रहा हूँ, चलेगा? नहीं भैया, वहाँ मत जाइए, वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं तो आज खजाना लेकर ही आऊंगा। नहीं भैया, मैं अकेले आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप चाहे गलत करो या सही, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और हमेशा आपका साथ दूंगा। दोनों मंदिर पहुंचते हैं। वहाँ आज भी बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। हर रोज की तरह राघव अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। और जैसे ही वो दोनों मंदिर में अपने कदम रखते हैं, बहुत तेज बिजली कड़कती है, जिसे देखकर अभिमन्यु और राघव डर जाते हैं और राघव अपने भाई को फिर से मना करता है। भैया मत जाइए, देखो कितनी तेज बिजली कड़क रही है। तुझे चलना है तो चल, मेरा दिमाग मत खराब कर। राघव अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ चला जाता है। वो दोनों मशाल जलाकर जैसे ही मंदिर के अंदर घुसे, वैसे ही बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगीं। और जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े, वहाँ मरे हुए लोगों के शरीर कंकाल पड़े होते हैं और वहाँ बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। वो दोनों अपनी नाक बंद करके चलते रहते हैं। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वे दोनों डर जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं। भैया ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब यहाँ तक आ गए हैं तो खजाने की झलक तो देख लें। तभी अचानक से ऊपर से बहुत सारे कंकाल गिरने लगे और दोनों बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। तभी वहाँ अचानक एक भेड़िए की शक्ल वाला इंसान आ गया और वो बहुत भयानक आवाज निकालता है। उस इंसान का पूरा शरीर जला हुआ था और वो उन दोनों को घसीटते हुए हस्तर की मूर्ति के पास ले जाता है, जहाँ बहुत सारा सोना था। लेकिन अचानक से वो इंसान कहीं गायब हो गया। ये देखकर अभिमन्यु राघव से कहता है, राघव अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जल्दी सोना उठा। राघव बहुत डर चुका था, वो डर की वजह से कांपने लगा और वो सोने को हाथ नहीं लगाता। लेकिन उसका भाई सोना उठा लेता है और राघव के साथ तेजी से बाहर जाने लगता है। तभी बहुत तेज आंधी चलने लगती है। अब इस मौसम को क्या हो गया, इतनी तेज आंधी चल रही है। तभी वहाँ किसी के चलने की आवाज आती है और जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके पीछे आधे जले हुए भेड़ियों की फौज आ रही होती है, जिनके शरीर अभी तक जल रहे होते हैं। ये देखकर दोनों भागने लगते हैं। मैंने बार बार आपको मना किया लेकिन आप नहीं माने। आज आपकी वजह से मैं भी इस मुसीबत में पड़ चुका हूँ। काश मैंने आपका इस गलत काम में साथ ना दिया होता। मुझे माफ कर दो, मेरे लालच की वजह से ये सब हुआ। वो दोनों अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो भेड़िए उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं और उनका बाकी का शरीर जल जाता है।